नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी डिवाइसेस। दोस्तों, आपको सैमसंग के फोन में एक फीचर मिलता है जिसे कहते हैं वाईफाई शेयरिंग। तो वाईफाई शेयरिंग का मतलब होता क्या है और आप किस तरह से इसे यूज कर सकते हो, क्या क्या एडवांटेज है इस वाईफाई शेयरिंग को यूज करने के। दोस्तों, वाईफाई शेयरिंग का मतलब होता है कि आप अपने वाईफाई को शेयर कर सकते हो दूसरे डिवाइस के साथ। जैसे आप अपने मोबाइल डेटा को शेयर कर सकते हो जिसे कहते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट, उसी तरह से आप अपने वाईफाई को शेयर कर सकते हो आगे किसी भी डिवाइस पे। तो वाईफाई शेयरिंग का मतलब है कि आप वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ यूज कर सकते हो और अपने वाईफाई को शेयर कर सकते हो ताकि सामने वाला जो बंदा है आपके वाईफाई से कनेक्ट होके वाईफाई यूज कर सके। दोस्तों, हालांकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जब एंड्रॉइड 10 था, लेकिन एंड्रॉइड 11 के बाद सेटिंग्स चेंज हो चुकी है तो कई सारे लोगों को पता नहीं कि वाईफाई शेयरिंग किस तरह से यूज करना है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वाईफाई ऑन है। अब वाईफाई ऑन होते हुए मुझे करना है हॉटस्पॉट को ऑन। तो जैसे मैं यहाँ पे टैप करूंगा, यहाँ पे मुझे बताया जाएगा कि मोबाइल हॉटस्पॉट यूज करने के लिए आपको सबसे पहले वाईफाई को ऑफ करना पड़ेगा। तो मान लो हमने वाईफाई को ऑफ कर दिया, ठीक है, मतलब आप एक साथ दोनों को यूज नहीं कर सकते। वाईफाई शेयरिंग का मतलब बताया कि आप दोनों को यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूं। अगर मुझे अब वाईफाई ऑन करना है, हॉटस्पॉट तो मैंने ऑन कर लिया है, अब मुझे वाईफाई ऑन करना है। जैसे मैं इस पे टैप करूंगा, मुझे यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको यहाँ पे वाईफाई मतलब ऑन करने के लिए हॉटस्पॉट को ऑफ करना पड़ेगा। तो मुझे हॉटस्पॉट को ऑफ करना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ यूज नहीं कर पा रहा हूं। तो आपको अगर दोनों को एक साथ यूज करना है, वाईफाई को हॉटस्पॉट को, आपको अगर अपने वाईफाई को शेयर करना है दूसरे डिवाइस के साथ, तो आप ऐसा कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, कनेक्शंस में, फिर यहाँ पे आपको जाना है मोबाइल हॉटस्पॉट एंटरिंग में, मोबाइल हॉटस्पॉट में, और यहाँ पे आपको कॉन्फिगर पे टैप करना है, फिर यहाँ पे एडवांस पे टैप करना है, और यहाँ पे नीचे आना है। सबसे नीचे आपको मिलेगा ऑप्शन वाईफाई शेयरिंग का, आपको इसे ऑन करना है और ओके करना है। इसके बाद आपको करना है सेव। और अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरा वाईफाई ऑन है। अब वाईफाई ऑन होते हुए अगर मैं यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट को ऑन करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे वाईफाई और मोबाइल हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज हो रहे हैं, मतलब मैं अब यहाँ पे वाईफाई को शेयर कर सकता हूं दूसरे डिवाइस के साथ। तो मैंने यहाँ पे वाईफाई ऑन कर दिया है, वाईफाई शेयरिंग भी ऑन कर दिया है। तो मान लो अब आपको यहाँ पे अपना जो वाईफाई है वो शेयर करना है इस डिवाइस के साथ, M51 का वाईफाई यहाँ पे शेयर करना है। तो आपको वाईफाई में जाना है डिटेल्स में और यहाँ पे इसे ऑन करना है। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो गैलेक्सी M51 है यहाँ पे आ जाएगा वाईफाई की लिस्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हो गैलेक्सी M51, आपको इस पे टैप करना है और पहली बार अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको पासवर्ड एंटर करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे गैलेक्सी M51 कनेक्ट हो चुका है। अब इस फोन का जो वाईफाई है मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूं, मैंने इस तरीके से वाईफाई को शेयर कर दिया है। तो आप इस तरीके से अपने वाईफाई को शेयर कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल डेटा नहीं है, अगर आप मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज नहीं करना चाहते हो, तो आप वाईफाई शेयरिंग का यूज कर सकते हो, अपने वाईफाई को शेयर कर सकते हो, वाईफाई और हॉटस्पॉट एक साथ यूज कर सकते हो। दोस्तों, वाईफाई शेयरिंग यूज करने के कई सारे एडवांटेज है। सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, मान लो आपके घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, या कोई फ्रेंड आता है और आपको पासवर्ड शेयर करना पड़ता है वाईफाई राउटर का या फिर वाईफाई सिस्टम का, लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा तब आपको मतलब पासवर्ड शेयर नहीं करना पड़ेगा, वो बिना परमिशन के ही आपका वाईफाई यूज कर सकता है। क्योंकि पहली बार तो आपने पासवर्ड दे दिया है, अब वो दूसरी बार से आसानी से आपके वाईफाई को यूज कर सकता है आपके परमिशन के बिना। इसलिए अगर आप वाईफाई शेयरिंग करते हो ना, आपको उसे अपने वाईफाई का पासवर्ड देना ही नहीं है। आप अपने वाईफाई शेयरिंग को ऑन करो और फिर उसे कहो कि आप मेरे फोन को कनेक्ट करो, ठीक है, वाईफाई शेयरिंग के साथ, तब वो वाईफाई यूज कर सकता है। उससे क्या होगा, उसे बार बार आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा वाईफाई और हॉटस्पॉट को एक साथ तो यूज नहीं करने वाले हो। लगता है कि चलो इसका काम हो गया, तो आपको यहाँ पे हॉटस्पॉट को ऑफ कर देना है, उसके बाद सामने वाला वाईफाई शेयरिंग का यूज नहीं कर पाएगा, वाईफाई को यूज नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो सामने वाले डिवाइस को, कब उसे यूज करना है कब नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा आप वाईफाई शेयरिंग का यूज वाईफाई रेंज को एक्सटेंड करने के लिए भी कर सकते हो। मान लो आपके वाईफाई राउटर की रेंज कम है, तो आप अपने फोन में वाईफाई शेयरिंग को यूज करके दूसरे फोन में उसे कनेक्ट कर सकते हो, मतलब आपके वाईफाई की रेंज यहाँ पे एक्सपांड हो जाएगी, एक्सटेंड हो जाएगी। इसके अलावा मान लो आपके वाईफाई सिस्टम में या फिर वाईफाई राउटर में एक साथ 10 डिवाइस को कनेक्ट करने का सिस्टम है, आप एक साथ 11 डिवाइस को कनेक्ट नहीं कर सकते। अब मान लो ऐसा कोई बंदा आता है 11वां 12वां, उसे कनेक्ट करना है आपके वाईफाई से, तो आप फिर डिवाइस लिमिट को एक्सटेंड कर सकते हो। आपके वाईफाई में 10 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप वाईफाई शेयरिंग का यूज करोगे यहाँ पे, तो सामने वाला कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि अब जो डिवाइस की लिमिट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। इसके अलावा कई सारे जो ऑनलाइन गेम होते हैं मोबाइल हॉटस्पॉट पे वर्क नहीं करते। इसके अलावा जो बैकअप लेना हुआ, बैकअप भी मोबाइल हॉटस्पॉट पे काम नहीं करता, तो ऐसे में वाईफाई शेयरिंग यहाँ पे जरूरी बन जाता है। और दोस्तों, मोबाइल हॉटस्पॉट के कंपेरिजन में
बैटरी ड्रेनिंग कम होती है वाईफाई शेयरिंग में। तो आप अब इस तरीके से अपने सैमसंग के फोन में वाईफाई शेयरिंग का यूज कर सकते हो और अपने वाईफाई को दूसरे डिवाइस के साथ शेयर कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।